जाइए वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ 24। अभी मैं मौजूद हूं समस्तीपुर रामेश्वर जूट मिल, जो यहां जूट मिल में ताला मार दिया गया है। जो यहां के हम आदमी से जानकारी लेते हैं जो किस कारण ताला मारा गया और चुनाव के ही टाइम में क्यों ताला खुलवाया जाता है और चुनाव बाद ताला लगा दिया जाता है। जो यहाँ बहुत सारे आदमी धरना पे बैठे हुए हैं, जो टोटल मजदूर आदमी हैंगे, हम इनसे बात करते हैं। सर, किस लिए ताला मारा गया है? यह ताला मारा गया है मजदूरों को पैसा पहुँचाने के लिए। उसने एकाएक डायरेक्ट मजदूरों पर उत्पादन काला छितना न दे दिया कि मजदूर का कहा इतना उत्पादन लक्ष्य नहीं होगा। कोई लिखित रूप में कोई यूनियन को पता नहीं है। जब इस चीज़ की जानकारी आप लोग को नहीं है कि इसमें ताला लटकाया गया है? ये तालाबंदी जो अभी लटकाया गया है, तो सायरन जब नहीं बजा तब हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और मजदूर प्रबंधन की ओर से नोटिस जो मिला हमें, सो 7:51 में सूचना दिया अभी कि भाई हम मिल को हम आज से हम बंद कर रहे हैं। और इसने गलत आरोप लगाया है कि उनके प्राधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। कोई कुछ नहीं किया है। सवेर में भी मजदूर थे, हम लोग यहाँ पर शांति से समझाए बुझा करके सबको वापस किए हैं, बैठक किए हैं, मीटिंग किए हैं, सबको शांत किए हैं। एक ही मजदूर गाली गलौज नहीं की। मजदूर इतना ही कहा है कि आप नहीं चलाना चाहते हैं तो हम लोग को पैसा दे दीजिए। हाँ, बस यही बात। 2020 में चुनाव के टाइम में महेश्वर हजारी द्वारा ताला खुलवाया गया था जी, फिर अभी क्यों बंद हो गया? देखिए, ये प्रबंधन का मंशा रहता है मजदूर को शोषण करना, मजदूर को जो डीए अभी मिला है उसमें कटौती करना, यही उस प्रबंधन का ये सोच रहता है। अभी शांतिपूर्ण जब से ये मिल चालू हुआ 2020 से शांतिपूर्ण चल रहा था, कहीं कोई विवाद नहीं, कोई कहीं झंझट नहीं। जो एग्रीमेंट हुआ था एग्रीमेंट के मुताबिक चल रहा था। एटेंडम कल सिलाई डिपार्टमेंट में, जो सिलाई छोटा एक डिपार्टमेंट है, उसमें प्रबंधन की ओर से कहा गया कि तुमको इतना प्रोडक्शन नहीं, इतना देना है। इस पर थोड़ा सा तूतुमे हुआ, सिलाई डिपार्टमेंट बंद हो गया। उसके बाद हम लोग मजदूर यूनियन को मालूम हुआ तो उस पर प्रबंधन से वार्ता किए और उनको समझाने का काम किए कि सर ये जैसे चल रहा था वैसे आप आदेश दें चलाने का, और हम लोग वार्ता करके उसमें जो कम बेस होगा उसको हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले कि उसमें जो जर्जर स्थिति है मशीन का, उसको आप ठीक कर दीजिए। जो क्वालिटी सूता देते हैं वो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़िया कर दीजिए। हम लोग प्रयास करेंगे उसमें बढ़वाने का, लेकिन प्रबंधन हठधर्मी के तरह बना रहा कि नहीं, आप पहले ये प्रोडक्शन दिलवाइएगा तभी खोलेंगे। हम लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है। हम लोग का मनसा कल ही से गलत लग रहा था, इसीलिए हम लोग मजदूर यूनियन ने पत्रचार से SDO साहब को, DM साहब को, LS समस्ती साहब को सूचना दे दिया है कि हमको इसका मने मनसा सही नहीं लगता, हो सकता है कि बंद कर दे। क्या सर उम्मीद है कि जूट मिल का ताला खुलेगा? ताला तो खोलना चाहिए, अवैध तालाबंदी किया है, मजदूर आक्रोश में, अगर नहीं खुलता है तो हम लोग रोड पर जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव का मुद्दा है जूट मिल? चुनाव का मुद्दा वाली कोई बात नहीं है, मजदूर का शोषण करने का, पैसा हड़पने का खाली काम करा है प्रबंधक। कितने मजदूर अभी इसमें काम कर रहे हैं? 22 मजदूर अभी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं सब। 22 मजदूर, 2200 जी, 2200 सकते हैं। जो ये सामने है, जो इस तरीके जर्जर हालत है, क्या ये मशीन सही से चल पाएगी अगर फिर चालू होता है तो? इस मशीन को बनाने के लिए कंपनी को चाहिए सुचारू रूप से अच्छा मशीन दे, लोगों को अच्छा मतलब मेंटेनेंस करे, मजदूर तभी चला पाएगा। और ये कंपनी मनमानी मजदूरों का हमेशा शोषण दोहन करती रहती है, जिसके वजह से मजदूर तबाह भी है, बेचैन है, और इस कारण से मजदूरों को ये कंपनी बराबर ही मजदूरों के साथ शोषण दोहन। क्या उम्मीद है कि ये ताला खुल जाएगा? उम्मीद है कि खुलना चाहिए। कब तक खुलने का संभावना है? आप इसी जूट मिल में काम करते हैं जी? रिटायर हो गए अभी तक। कितना दिन हो गए रिटायर? अभी तो 12-10 में रिटायर के लिए, अभी तक हमको गैरेज छुट्टी तक नहीं मिला। 2010 में रिटायर किए? जी। क्या आपका सारा पेमेंट सरकार कर दिया? नहीं, अभी गैरेज छुट्टी बाकी है, अभी तो एक पैसा भी हम लोग का पेमेंट नहीं किया, गैरेज छुट्टी बाकी। पैसा आपका बन रहा है कितना? अभी हम लोग तो रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो गए तो आपका जो बैक पैसा है, जो जितना दिन आप काम किए, क्या वो पैसा मिल गया? वो तो सर PF मिल गया। PF मिल गया। हाँ। बाकी कौन सा पैसा है? गरज छुट्टी। क्या उम्मीद है आपको वो पैसा मिलेगा? अब मिलेगा कि मर जाएंगे कि क्या होगा, हमको कोई गारंटी नहीं कि कंपनी पैसा रखे हुआ है।
क्या कंपनी को ये इस बात की सूचना किसी को आपने दी कि हमारा पैसा क्यों न मिल रहा? लमसम कितने मजदूर का पैसा बाकी होगा? अभी लमसम कम से कम 2000 मजदूर का अभी खाने बगैर मर गया, अभी तक घर छुट्टी अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला, कितना मर गया। ऑनलाइन करेगा तभी ना लोग को पता चलेगा कितना पैसा मेरा पीएफ। जी जी, आप सर कौन हैं? जी हम वर्कर हैं। वर्कर हैं जी, उसी जूट मिल में आप काम करते हैं? किस पद पे हैं? जी हम मशीन चलाते हैं। मशीन चलाते हैं। ये तो सर जाहिल आदमी है, ये ऑनलाइन का हाल भी नहीं जानते हैं। ऑनलाइन का हाल जानते हैं? जी नहीं जानते हैं। ऑनलाइन होने के बाद ना पता चलेगा कि लोग को कितना पैसा मजदूर को पीएफ कितना है, कितना क्या है नहीं है, कोई हिसाब किताब। क्या सरकार से कोई मांग है आपकी? हमारा मांग तो यही है कि हम लोग का गरीब जितना है 2000 जितना आदमी मजदूर बैठा हुआ है, घर छुट्टी हम लोग का दे दे कि बाल बच्चा अभी भूख मर रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, है ना? कितना साल हो गया। क्या नाम है? कपिलेश्वर पासवान। कहाँ घर है? भागरतपुर, यही पंचायत में है। क्या हुआ? क्या उम्मीद है जूट मिल का ताला खुलेगा? देखिए, जो मैनेजमेंट का जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के आधार पर वे ताला खोलने के पक्ष में नहीं है। क्यों पक्ष में नहीं है? जब मजदूर का ग्रेचुटी का पैसा उसके यहाँ बकाया है 400 से ऊपर जो है, सो पीएफ का पैसा अभी तक वो भुगतान नहीं किया है। दूसरा और ये है जो यहाँ का मजदूरों पर इतना प्रेशर डाल दिया, उसका मेंटेनेंस, फैक्ट्री का जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो देने से इनकार है। और 2 साल से उन्होंने कहा जे ठीक है, एक दिन बाद हम इसका सुधार कर ले। हर 2 महीना पर मैनेजमेंट को बदलता है, इसका ये पॉलिसी है। अगर ये ताला नहीं खुलता है, हाँ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ताला अगर नहीं खुलेगा तो इससे पहले मैंने DLC को लिखित रूप से दिया है, डिस्ट्रिक्ट इसके बाद कमिश्नर को लिखित दिया है, DM को दिया है, SP को दिया है, SDO को लिखित दिया है, और वो लोग जिला सरकारी पदाधिकारी कान में तेल रख के सोया हुआ। अगर वो लोग मैनेजमेंट को रवैया को नहीं संभालेगा तो सारा मजदूर रोड पर उतर के और किसी हर जगह जो है सो जाम कर